हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बनाएंगे पके आम और दूध से एकदम नई और मज़ेदार रेसिपी, जिसे आप खाएंगे तो मैंगो कुल्फ़ी, आइसक्रीम, फालूदा सब भूल जाएंगे। तो चलिए फटाफट से इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने दो तरीके का आम लिया है। ये मैंने लंगड़ा आम लिया है और दूसरा दशहरी है। ये यूपी का फेमस आम है और दोनों आम बहुत ही मीठा और टेस्टी होता है। और यहाँ मैंने दोनों आम को अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है। और अब हम एक प्लेट लेंगे और आम के ऊपर वाले भाग को इस तरीके से कट कर लेंगे। और अब हम नाइफ या चाकू से इसके पल्प वाले भाग को भी इस तरीके से कट करके रख लेंगे। सेम तरीके से हम सारे आम के पल्प को काट लेंगे। लंगड़े आम का स्किन ऊपर से हरा और अंदर से वो बिल्कुल पका होता है। तो आप भी इस आम से या आपके पास जो भी मीठा आम है उससे इस रेसिपी को बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने मैंगो के पल्प वाले भाग को काट लिया है। और अब हम इसे बीच में से इस तरीके से लंबे लंबे साइज में कट कर लेंगे। और इसे इस तरीके से आम को हम छोटे छोटे स्क्वायर में कट कर लेंगे, जिससे आम के पल्प को निकालना बहुत इजी हो जाएगा। और ये देखिए, हमारा आम का पल्प बिल्कुल इजीली बाहर निकल गया है। और अब हम एक स्पून से इसे एक कटोरी में इसके सारे पल्प वाले टुकड़े को निकाल लेंगे। और ये देखिए, पल्प हमारा इजीली निकल आया है। इस तरीके से आप मैंगो के पल्प निकालेंगे तो सारे पल्प इजीली निकल आएंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने सारे पल्प को कटोरी में निकाल लिया है। हमें इतना ही पल्प निकालना है, बाकी आम का हम बाद में यूज़ करेंगे। और आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने मैंगो का पल्प को इजीली निकाल लिया है। और अब हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसमें मैंगो पल्प डालेंगे। और अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। और आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने इजीली इसे ग्राइंड कर लिया है। और आम के पल्प का इस तरीके से एक बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। और अब हम इसे एक कटोरी या प्लेट में निकाल लेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने पल्प को निकाल लिया है। और अब हम एक पैन लेंगे, गैस ऑन करेंगे और पैन को अच्छे से गर्म होने देंगे। और आप देख सकते हैं, पैन गर्म हो गया। हम इसमें हाफ टी स्पून या आधा चम्मच घी डालेंगे। घी की जगह आप एक चम्मच बटर या अनफ्लेवर 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए, घी अच्छे से मेल्ट हो गया है और गर्म भी हो गया है। हम इसमें कटे हुए आलमंड और काजू डालेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसे इस तरीके से चलाते हुए भून लेंगे या रोस्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं, काजू में बहुत ही अच्छा कलर आ गया है और आलमंड भी हमारे रोस्ट हो गए। अब हम इसे एक कटोरी में निकाल लेंगे। और आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने इसे अच्छे से सुनहरा कलर होने तक फ्राई कर लिया है। और अब हम बचे हुए घी में और अब हम इसमें 1 कप सेवैयाँ डालेंगे। यहाँ मैंने पतले वाले वर्मासेली का यूज़ किया है, आप इसकी जगह रोस्टेड वर्मासेली का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसे स्लो या मीडियम फ्लेम पे इस तरीके से चलाते हुए घी में अच्छा सा सुनहरा या गोल्डन कलर आने तक हम इसे भून लेंगे। सेवैयों को भूनते हुए 2 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं, सेवैयों में बहुत ही अच्छा सा सुनहरा या गोल्डन कलर आ गया है और इससे बहुत ही बढ़िया घी की खुशबू आ रही है। हमें इसे इतना ही भूनना है, इससे ज़्यादा ना भूने, नहीं तो इसका फ्लेवर चेंज हो जाएगा। और अब हम इसमें 1 कप या 1 कटोरी पानी डालेंगे। यहाँ मैंने नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी यूज़ किया है। पानी डालकर हम 10 से 20 सेकंड के लिए गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे, जिससे पानी में बहुत ही अच्छा उबाल आ जाएगा। और अब हम इन सभी सेवई को पानी में अच्छे से मिला लेंगे, जिससे ये अच्छी तरीके से पक जाएंगे और फूल भी जाएंगे। और अब हम इसमें कुटी हुई 2 इलायची डालेंगे। इस टाइम पे इलायची डालने से इसमें बहुत ही अच्छा इलायची का फ्लेवर आता है। गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे और अब हम इसे ढक कर 1 से 1.5 मिनट के लिए पकने देंगे। और आप देख सकते हैं, 1.5 मिनट हो गया है, सेवई हमारी अच्छी तरीके से पानी में फूल गई है और ये बिल्कुल परफेक्ट पक गई है और खिली खिली बनी है। और इस टाइम पे गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे और हम इसे चलाते हुए अच्छे से मिला लेंगे। और आप देख सकते हैं, सेवई हमारी ऑलमोस्ट 70% कुक हो गई है। और अब हम इसमें गरम दूध डालेंगे। यहाँ मैंने 1.5 कप
दूध का यूज़ किया है। दूध आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर का भी ले सकते हैं, और दूध डाल करके हम इसे हाई फ्लेम पे 10 से 15 सेकंड के लिए अच्छे से चलाते हुए मिला लेंगे, जिससे दूध में भी बहुत ही अच्छा सा उबाल आ जाएगा। और आप देख सकते हैं दूध हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, और अब हम इसमें उबाल या बॉयल आने देंगे। और सेवई या वर्मासेली को हम दूध में 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पका लेंगे, जिससे दूध का फ्लेवर सेवई में बहुत ही बढ़िया आएगा। और आप देख सकते हैं दूध में बहुत बढ़िया सा उबाल आ गया। हम इसे एक बार फिर से स्पैचुला से चलाते हुए मिला लेंगे, और अब हम इसमें 3 चम्मच चीनी डालेंगे। चीनी की जगह आप मिश्री का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसे अच्छे से चलाते हुए चीनी को मिक्स कर लेंगे, और गैस का फ्लेम स्लो कर देंगे, और अब हम इसे ढक करके 5 मिनट के लिए पकने देंगे, जिससे चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और घुल जाएगा। और आप देख सकते हैं 5 मिनट हो गए हैं, सेवई हमारे काफ़ी अच्छे से दूध को सोख लिए हैं और दूध में अच्छे से पक गए हैं, और ये काफ़ी गाढ़ा भी हो गया है। इस टाइम पे हम इसे एक बार फिर से चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। और अब हम इस पे फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट डालेंगे। यहाँ मैंने पिस्ता और काजू का यूज़ किया, आप अपने पसंद के और भी ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसमें मैंगो पल्प डालेंगे। मैंगो पल्प डाल करके हम इसे हल्के हाथों से चलाते हुए अच्छे से सेवई में मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए आम हमारा सेवई में अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है, और अब हम इसे ठंडा होने देंगे। इस तरीके से आप एक बार सेवई या मैंगो खीर बना के देखिए, सभी को बहुत पसंद आएगा, और ये कम दूध में ही बहुत ही ईजिली इंस्टेंट बनके तैयार हो जाता है, और इसका स्वाद मैंगो कुल्फ़ी मैंगो आइसक्रीम जैसा होता है। और चलिए खीर हमारा ठंडा हो गया है, और अब हम इसे इस तरीके से कटोरी में सर्व कर लेंगे। आप इसे ठंडा होने के बाद इस तरीके से सर्व करके खाएं, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट होता है। और ये देखिए यहाँ मैंने खीर को अच्छे से कटोरी में सर्व कर दिया है, और अब हम इसके ऊपर कटे हुए आम डालेंगे, जिससे इसका लुक बिल्कुल आइसक्रीम की तरह होगा। और आप देख सकते हैं ये देखने में बिल्कुल आइसक्रीम की तरह दिख रहा है। और अब हम इसके ऊपर फ्राई किए हुए पिस्ता और काजू डालेंगे, और अब आप देख सकते हैं हमारा वर्मासेली खीर या मैंगो खीर बनके तैयार हो गया है। इस तरीके से आप बनाएं, बच्चे हो या घर में बड़े, सभी को बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये देखिए यहाँ मैंने इसे एक इस तरीके के कुल्हड़ में भी सर्व किया है, और आप इस तरीके से बना करके इसे फ्रिज में ठंडा होने दें और फिर खाएं, इसका स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और ये देखिए यहाँ मैंने दोनों तरीके से इसे सर्व कर दिया है, आप इसे अपने पसंद के हिसाब से ठंडा या गर्म खाएं, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो चलिए अब मैं मिलूँगी आप सभी के साथ एक और नई रेसिपी में।